शकलका बूम बूम शकलका बूम बूम। अगर भाई ये एपिसोड किसी ने देखा है ना, ये सीरियल जो देखा अगर आप सभी ने देखा है तो आपको पता होगा यार, इसमें एक जादू की पेंसिल होती है। वो उस पेंसिल से ना कुछ भी ड्रॉ करता था ना, वो एकदम रियल में निकल के आ जाता। तो यार ये एपिसोड अगर ये सीरियल किसी ने देखा हो ना तो मुझे यार कमेंट से बताना भाई, बहुत प्यारा सीरियल था और मैं बहुत छोटा था ना तब मैं इसको एकदम गौर से देखता था। मुझे लगता है सच में ऐसे कोई पेंसिल हुआ करती थी। तो यार क्या ही दिन थे, बहुत याद आती है उन दिनों की, मजा आता है एक दूसरे के। और आज की इस वीडियो में तुमको ऐसे कुछ अपडेट्स बताने वाले जो कि एकदम चक्का लगा बूम बूम की टाइप की होने वाली है। और तुम लोग काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे भैया कि अपने यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर वॉल्ट होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से गन कन्फर्म हुई, तो ये बहुत सारे अपडेट्स बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो को एक लाइक से कर देना, छोटे से लाइक है 40 लाइक है तो प्लीज लाइक से कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट से कर देना। देखो सब्सक्राइब कर देना कि आपके चैनल आपको डेली ही कंटेंट इससे मिलते रहते हैं। 20 के कब करवाओगे यार, 20 के करवा दो भाई, बहुत टाइम हो चुका है, 20 के करवा दो यार, बहुत अपन क्लोज आने वाले हैं 20 के भी, मतलब काफी टाइम है, बट फिर भी यार आप सब सपोर्ट करोगे तो भाई बहुत जल्द आ जाएगी। तो बस सर वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। हम लोग करते वीडियो को देखो, एक सर यहाँ पे कमेंट के बोलते कि भाई अपने यहाँ पे जो हिप हॉप बंडल है वो अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा। देखो सर यहाँ पर हम आपको बता दूं कि हिप हॉप बंडल अपना रिटर्न तो आएगा बट अभी के टाइम पर रिटर्न नहीं आएगा। रिटर्न के लिए कोई स्पेशल दिन स्पेशल इवेंट डिसाइड करेगी जो कि अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे रिटर्न नहीं है, क्योंकि यार ये गईना अपन को अपन से ही कमाना है, तो भैया अपन को ये सारी जो रेयर आइटम्स है वो रिटर्न देगी। और सिंपल सी बात, आपको सस्ते में तो मिलने वाला है नहीं, है ना, तो आपको अच्छे खासे डायमंड तो पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब ये आया था ना भैया, बहुत ज्यादा कलेश हुआ था। मतलब पिछली बार आया था ना तो कहे क्या ही बोलो भैया, आए दिन ही कलेश हुआ था कि कई कोई ऐसा यूट्यूबर छोटे जैसे अपने सुधीर सरकार हो गए, अपने यहाँ पे इसके सभी वॉस हो गए, सब जिन्हें गेट गेम छोड़ देता है, बोलते भैया जब फिर नए और पुराने हमारे जो मतलब प्लेयर्स उनमें क्या अंतर रह जाएगा अगर आप हिप हॉप बंडल रेटर आ रहे हो। तो गईना ने एक बार तो ये गलती कर दी है तो दोबारा गलती आई थी कि नहीं करेगी, इसलिए भैया वो जब भी इसको देगी तो सोच समझ के दोबारा रिटर्न देगी। अभी देखो तुम लोग सीएस में या बीआर में रैंक पुश करते हो ना, तो तुम सबके लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, तो वो क्या होने वाली मैं सबको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग देखो अगर हमारे यहाँ पर कोई भी बीआर में ना ये हीरोइक करते हो तो आपको ये वाली इमोट बिल्कुल ही फ्री मिल जाती है 60 दिनों के लिए, ठीक है। और वहीं पर अगर आप लोग मास्टर करते हो तो आपको ये वाली इमोट बिल्कुल ही फ्री मिल जाती है 60 दिनों। वैसे दोस्तों सेम अगर आप लोग वहीं पर हमारा सीएस में अगर आप लोग हीरोइक कर दो तो आपको ये वाली इमोट बिल्कुल ही फ्री मिल जाती है, और अगर आप लोग मास्टर कर दो तो आपको ये वाली इमोट बिल्कुल ही फ्री में मिल जाती है। तो आप लोग बोले अंदर क्या है, तो रुको जरा सबर करो, हमारे न्यू इमोट आए। अगर भाई आप लोग ग्रैंड मास्टर करते हो ना तो भाई आपको ये वाली इमोट बिल्कुल ही फ्री मिलने वाली 60 दिनों के लिए। कितनी ज्यादा ओपी है, कितना बड़ा लोगो निकल के आ रहा है पीछे ग्रैंड मास्टर का, तो ये एकदम जहर है, आउट लेवल नेक्स्ट भाई, क्या ही बोलूं मैं, बहुत ज्यादा अच्छी लोग दे रही ना, तो इसमें भाई अलग ही लुकिंग आएगी बंदे की। और वहीं पर अगर आप सीएस में भी ग्रैंड मास्टर करते हो, देखो इस टाइप का हमारा होने वाला है कुछ ग्रैंड मास्टर का इमोट जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन इमोट है। मुझे तो इमोट काफी ज्यादा पसंद आए। तो दोस्तों आपको ये जो इमोट है कैसी लगी प्लीज कमेंट से बता देना। और इस वक्त आप लोग भैया बीआर में और सीएस में किसी में भी भैया कौन सी रैंक पे हो प्लीज मेरी भी कमेंट से बता देना। देखो मैं तो ना इलाइट हीरो के बीआर में 5 स्टार पे हूँ और अपने सीएस में इलाइट हीरो के 15 या फिर 10 स्टार पे हूँ, ठीक है। तो आप लोग कौन सी स्टार पे हो मुझे कमेंट से बता देना। और आपको ये जो इमोट है ये जो आई है भैया आ रही है मतलब अभी 44 अपडेट के बाद, तो आपको ये जो इमोट कैसे लगे ये भी कमेंट से बताना। अभी इसके लिए आप लोग रैंक पुश करोगे या फिर नहीं करोगे वो भी कमेंट से बता दें। बाकी साथियों को ना बहुत जल्द हमारे एक टॉयलेट का ऐसा मोड देखने मिलने वाला जिसमें आपको भी टॉयलेट ही टॉयलेट दिखेंगे, और आपको यहाँ पे रन करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट कलेक्ट करने पड़े, पॉइंट कलेक्ट कर दे आप लोग भाई यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड ले पाओगे। तो पूरा टॉयलेट के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है भाई, पता नहीं कौन सा कोलैबोरेशन है, कौन सी टॉयलेट कंपनी इसका कोलैबोरेशन कर रही है, बट यहाँ पे आपको एकदम दिखने वाला है। अभी इस मोड में ना गए तुम सबको क्या करना, सिंपल सा यहाँ पर इस मोड में आपको ना ये जितने भी टॉयलेट्स हैं इन सबको हराना है, मतलब बीट करना है, इन सबको मारना है। अब कैसे मारना है वो भैया इसी मोड में ग्रेनेड सेलेक्ट करेगी, इसके रिवॉर्ड से कुछ होने वाले, मतलब अगर आप सबसे हाईएस्ट स्कोर करते हो एंड जोन तक जिंदा रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा, ये सब ग्रेनेड डिसाइड करेगी। हालांकि अभी कुछ डिसाइड तो नहीं है। हमारे 1 अप्रैल को एक न्यू बंडल देखने मिलने वाला है यहाँ पे भाई, ये महाराजा टाइप का बंडल है, जैसे ही पहनेगा ना ये जोकर टाइप का बन जाएगा, तो एकदम फनी मोट है जो कि हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल को आपको दिया जाएगा। भैया इसका कोई भी पार्ट पहनते हो ना तो भैया वो ना सेकंड में चेंज होता रहेगा। जैसे देखो अगर आप इसका ना हमारे यहाँ पर जो मास्क है मतलब कि चड्डा है ये पहनते हो, या फिर अगर हमारे इसके जो मूंछ है ना आप लोग देखो चश्मा है, पल पल सेकंड में चेंज होता रहेगा। तो गाइस यहाँ पर बहुत तगड़ा है एक बंडल देखने मिलने वाला है, और ये बंडल गाइस काफी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है भाई, मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही वाला बंडल। इस बंडल को पूरा इक्विप करके जाते हो ना भाई, अगर आप लोग 1 सेकंड के लिए एनिमी की नजर से इधर से उधर हो जाते हो तो भाई आप लोग इस बंडल को चेंज कर सकते हो, मतलब चेंज हो जाएगा, तो एनिमी का धोखा कर जाएगा भाई ये शायद दूसरा एनिमी है। तो काफी ज्यादा प्यारा बंडल है, आपसे कोई एकदम मिलने वाला है हमारे 1 अप्रैल। कन्फर्म
है कि आपके इसमें ना अच्छे खासे डायमंड लग जाएंगे। ये रिंग इवेंट के अंदर आएगा तो आपको अच्छे खासे डायमंड इसके लिए पे करने पड़ सकते हैं। एंड भाई अगर आपके पास मेरे टोटल कितने इस वक्त डायमंड है, टोटल कितना गोल्ड है कमेंट डिस्क्रिप्शन में बताना। भाई मेरे पास ना टोटल 7 लाख गोल्ड हो चुका है, 7.5 लाख के समथिंग पहुंचने वाला है, तो आपके पास मेरे कितना है प्लीज कमेंट डिस्क्रिप्शन में बताना। भाई आपसे रमदान स्पेशल यहाँ पे 2 बॉडी बिल्डर देखने मिलने वाले। यहाँ पे आप लोग इन भाई साहब को देख पा रहे हो कितने ज्यादा बॉडी बिल्डर है। तो ये ना भाई आपको रमदान स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, सो ये बंडल आपको रमदान स्पेशल मिलने वाला है, जिसकी वजह से कटिंग वटिंग ट्राई शेप बाई शेप और चेस्ट नेक बैंड जो भी है ना भाई सब कुछ यहाँ पे निकल रखे। काफ़ी ज़्यादा भयंकर बंडल है और इसके अंदर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बस मैं एक ही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है वो है गाइस हमारे यहाँ पे मेन बंडल और इसके गाइस की बॉडी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमारा एक और बंडल है जो कि एकदम नॉर्मल सा है, बट इतना ज़्यादा ये भी मतलब ये भी नॉर्मल सा ये कुछ खास है नहीं, बट भैया उसके मुकाबले मुझे काफ़ी ज़्यादा कम अच्छा लगा। कि देखो यार अपना उसकी ना भैया यहाँ पे जो ट्राईशेप आईशिप निकली ना वो सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद आई है। तो भाई वो जो जो रमदान का वेट कर रहा है और जिसको पता है रमदान की कन्फर्म डेट प्लीज़ यार कमेंट से बताना, मुझे रमदान की कन्फर्म डेट नहीं पता है। तो आपको ये रमदान के इवेंट में देखने मिलने जो कि हमारा मार्च मंथ में स्टार्ट होने वाला है। अब मार्च मंथ में रमदान कब से स्टार्ट हो रहा है ये आपको जरूर से पता होगा, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स से बता देना। पहले बात करते कि भाई अपने यहाँ पे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड इवेंट कौन सा होने वाले हैं, उसके रिवॉर्ड्स कौन कौन से होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो ये जिससे कहा देना, छोटे से लाइक में 40 लाइक तो प्लीज लाइक जिससे कहा देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जिससे कहा देना भैया, अगर कभी डेली ही ऐसे कंटेंट इससे लिए मिलते रहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जिससे कर देना। एक न्यू अपडेट मिली जिसके अंदर मुझे पता चला यहाँ पर आपको न्यू स्किन देखने मिलने वाली हमारे ईवो की, वो भी गाइस हमारे इसी ईवो वॉल्ट इवेंट के अंदर। अब कौन कौन सी स्किन से होने वाली मैं आप सबको यहाँ पे एक एक करके डिटेल में बताया। दोस्तों सबसे पहले जो स्किन आती है वो आती है गाइस हमारे ईवो एक्समेट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो ईवो एक्समेट गाइस वो कन्फर्म हो चुकी है अपनी ईवो वॉल्ट इवेंट के लिए और गाइस कन्फर्म है कि आपको एकदम 100% बोल रहा हूँ आपको देखने मिलेगी। दूसरी कन आपको यहाँ पे गाइस बता जा रहा है कि K94 आ सकती है, बट जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मुझे नहीं लगता K94 आए क्योंकि अभी जस्ट स्किन होने वाले गाइस हमारे यहाँ पे कोरस्मोनी MP40। अब आपको याद हो यार बहुत पहले एक तरह के ईवो MP40 आप लोग इसको बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा OP है, लेजेंडरी है और ये ईवो टाइप की होने वाली है। तो पॉसिबल है गाइस कि आपको इस बार के ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर ये वाली जो MP40 स्किन ये देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, उसको ऐसी 90% पॉसिबिलिटी स्किन भी आपको देखने मिलने वाले हमारे यहाँ पे ईवो MP5 के। जी हाँ, तो ये 4 स्किन टोटल कन्फर्म है हमारे नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड के लिए। ऐसे गाइस 90% मुझे यहाँ पे डाटा मैंने से लीक्स मिली है। एंड दोस्तों मैं आपसे बताऊँ ना, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो भैया मुझे यहाँ पे लगता है कि यही आएगी और गाइस यही कन्फर्म है कि आएगी यार, क्योंकि गाइस यहाँ पे हर यूट्यूबर यही बता रहा होगा, हर डाटा मैंने यही लीक्स दे रहा है, बस फिर वह कन्फर्म करे तो गाइस बात ही क्या, फिर तो 100% कन्फर्म हो जाए। वैसे भी हमारे जो ईवो वर्ल्ड इवेंट होता है ना उसके अंदर नॉर्मल ईवो गन की स्किन आती है, सुपर ईवो गन की स्किन नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आप में आपकी भाई इनमें से कोई सी अगर फेवरेट स्किन हो ना तो प्लीज कमेंट से बता देना। बात करके भाई ये कब तक आएगा, देखो दोस्तों अभी अपना वैलेंटाइन डे इवेंट चल रहा है हाल फिलहाल तो, और वैलेंटाइन डे जो इवेंट है ना भाई वो 20 से लेकर 22 तारीख तक बीच में चलने वाला है, ठीक है। 20 से 22 को लास्ट है इसका, उसके बाद ये वाला जो इवेंट है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या पॉसिबल है कि आपको ये वर्ल्ड का इवेंट देखने मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसी पॉसिबिलिटी निकल कर रही है हमारे जैसे वैलेंटाइन इवेंट खत्म होगा ना तो मॉर्निंग में लगभग 9 या 9:30 बजे आपको ई वर्ल्ड का इवेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका इस सेट कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो प्लीज कमेंट से पूछना। वीडियो को लाइक नहीं करके आए तो वीडियो को एक लाइक जैसे कर देना, छोटा सा लाइक है 40 लाइक तो प्लीज लाइक जैसे कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से जो कर देना भाई, जिससे आपको डेली ही ऐसे कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब जैसे कर देना, लाइक जैसे कर देना। एंड कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो प्लीज कमेंट से पूछना। मिलते हो इस वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।